नमस्कार बच्चों, लीजिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिकी में 2019 में आए हुए एक प्रश्न पर अध्ययन करेंगे और इसको बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। प्रश्न 7वां यहाँ पर देखिए, एक गोलीय चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे +4 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है, तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। दिया है 1/4πε₀ बराबर 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। तो इसका हल देखिए, क्योंकि प्रश्न में हम देखेंगे कि ये आवेश से संबंध है क्या धारिता का, इसको पहले देख लेते हैं। तो हमारा कोई एक गोली चालक है जिसको हम प्लस की आवेश दे रहे हैं, तो चालक के पृष्ठ पर यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाएंगे और इसके कारण जो है चालक के का विभव जो है भी बराबर 1/4πε₀Q/r ये हो जाएगा। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। तो गोली चालक की धारिता होता है, हमारा सूत्र होता है C=Q/V, और इसलिए C Q का Q रखे, भी के मान को यहाँ पर समीकरण 1 से 1/4πε₀Q/r को यहाँ पर ले गया मैं, तो Q से Q को काट दिया, तो हमारा ये बन गया C=4πε₀r। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि ये Q जो है निरस्त हो चुका है और ये धारिता जो है केवल त्रिज्या पर निर्भर करती है, यानी त्रिज्या बढ़ेगा तो हमारा धारिता भी बढ़ेगी। अब हम इसमें देखते हैं प्रश्न से कि दिया है R=18 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिए तो 18×10⁻²⁰ मीटर हो गया। 1/4πε₀=9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2 है, इसको हम चूंकि हमारे सूत्र में 4πε₀ है तो इस रूप में हमको लेना है, तो 4πε₀ बराबर ये 1/1 हो जाएगा, 1/9×10⁻⁹ न्यूटन -1 मीटर -1 और कूलाम का पावर 2 वर्ग। और इस तरह से सी बराबर यानी धारिता सी, यह है धारिता है, इसको हमें निकालना है। धारिता सी बराबर 1/9×10⁻⁹ ये सूत्र से है, 4πε₀ का मान है ये 1/9×10⁻⁹ × 18×10⁻²⁰ फेरेड हो गया अब यहाँ पर, और ये 18 को इसके सामने ले गया, 18/9×10⁻⁹ फेरेड, 9 को 18 से काट दीजिए तो 2 आ गया, 2×10⁻⁹ फेरेड। ये जो है हमारे गोली चालक की धारिता का उत्तर है यहाँ पर। इस तरह से इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल भी बढ़े और आप लोगों का मैं इस तरह से मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।